भारतीय वनडे क्रिकेट टीम में युवराज सिंह ने 3 साल बाद वापसी की है। एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम युवराज का ही था। टीम में जगह मिलने की खबर जब जारी हुई तो इस पर युवराज का खुशी भरा ट्वीट भी सामने आया, हालांकि उन्होंने तुरंत इसे डिलीट कर दिया। यूवी ने पीटीआई के ट्वीट को रीट्वीट किया और अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, यो बेबी तारा ला ला ला। लेकिन तुरंत बाद ही उन्होंने इसे हटा दिया। इसके बाद उनके अकाउंट से दूसरा कोई ट्वीट नहीं हुआ। ये सामने नहीं आया कि युवराज ने ट्वीट को डिलीट क्यों किया। युवराज को वनडे के साथ ही T20 टीम में भी जगह दी गई है। उन्होंने आखिरी बार साल 2013 में वनडे और 2016 में T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। टेस्ट टीम से भी वो दिसंबर 2012 से बाहर है। उन्होंने आखिरी बार 11 दिसंबर 2013 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में वनडे खेला था। युवराज की टीम में वापसी ने कई लोगों को हैरत में डाला है। उन्होंने इस साल रणजी ट्रॉफी में भी ऐसा कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। साल 2012 के बाद से युवराज का 19 वनडे में 18.53 का मामूली औसत है। इस साल रणजी सीजन में अगर युवराज के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पता चलता है कि उन्होंने 5 मैच खेले हैं। इसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक बने। यूवी ने बड़ौदा के खिलाफ 260 और मध्य प्रदेश के खिलाफ 177 रन की 2 बड़ी पारियां खेली। वहीं दलीप ट्रॉफी में वे खेले थे, लेकिन वे नाकाम रहे थे। उनके सिलेक्शन को लेकर सिलेक्शन कमेटी के चीफ एमएसके प्रसाद ने बताया कि युवराज ने घरेलू स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए।